जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी कुवार छपराड़ी सड़क पर प्रेमिका के साथ जा रहे एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने जिसको गोली मारकर हत्या कर दी थी उसकी पहचान खजौली के वार्ड नंबर 2 के 40 वर्षीय राम लखन सापी के रूप में देर शाम हुई। मृतक की पहचान के बाद पुलिस उस रास्ते में लगे सीसीटीवी के खंगाल कर पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। दरअसल पूरा मामला मृतक के दोस्त की पत्नी का है या फिर प्रेमिका, बस इसी महिला के कारण राम लखन की हत्या अपराधियों ने की, या यूं कहे प्रेमिका ने दो साथियों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या करवा दी। घटना के बाद जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही थी तब पुलिस को मृतक के स्कूटी पर महिला दिखाई दिया और उसके पीछे दो युवक। बस फिर क्या था, सारा माजरा पुलिस को समझ में आ गया। उधर खजौली में प्रेमिका नीलम देवी को पुलिस ने हिरासत में लिया और फुटेज दिखाकर पूछताछ की तो हत्या के गुत्थे खुलकर सामने आ गए। हालांकि इस महिला की तस्वीर जैसे ही मृतक के पत्नी को दिखाई गई वैसे ही महिला ने पति के प्रेमिका को पहचान ली और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। रविवार को जयनगर थाना पर प्रेस वार्ता करते हुए जयनगर DSP विप्लव कुमार ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। FSL टीम को बुलाई गई, जो कुछ घटना स्थल पर साक्ष्य योग्य था उसे कलेक्ट किया गया। DSP ने बताया कि मृतक की पत्नी के द्वारा उस महिला की पहचान करने के बाद उसे खजौली थाना के हरिसवाड़ा से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद हुई पूछताछ के बाद घटना में संलिप्त नगर थाना के मीना बाजार के मोहम्मद फिरोज नदाब के पुत्र मोहम्मद रियाज नदाब और संतू नगर के मोहम्मद गुलाब का पुत्र मोहम्मद महबूब को गिरफ्तार किया गया, जहां से एक देसी पिस्टल, घटनास्थल से 2 खोखा और 3 मोबाइल जब्त किया गया। DSP ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही कांड के उद्भेदन के लिए SIT का गठन किया गया था। SIT में प्रशिक्षु DSP सह SHO जयनगर अंकुर कुमार, SI गोपाल कृष्ण, शेषनाथ प्रसाद, मुकेश कुमार, शुभम कुमार, मिथिलेश कुमार राहे, PSI मोनिका कुमारी व ASI रामजीत सिंह को शामिल किया गया था। ये हत्याकांड के उद्भेदन के दौरान DSP विप्लव कुमार ने क्या कुछ बताया है। कल दिनांक 27/7/2024 को दुल्ली पट्टी से छपराड़ी जाने वाले मार्ग में एक युवक को गोली मार के हत्या कर ली गई थी। उस घटना के सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में जो उसकी प्रेमिका थी मृतक की उसको गिरफ्तार किया गया, नीलम देवी को, ग्राम हसीवारा थाना खजौली से, और उसके पूछताछ के क्रम में उसके दो सहयोगी जो इस हत्याकांड में संलिप्त थे, मोहम्मद महमूद पिता मोहम्मद गुलाब संतु नगर थ्रेसिंग टाउन थाना से और मोहम्मद रियाज नदाफ पिता मोहम्मद फिरोज मीना बाजार ट्रेसरी वार्ड नंबर 9 से टाउन थाना से गिरफ्तार किया गया। और उनके निशानदेही पर तो उन्होंने बताया कि घटना में जो प्रयोग किया गया हथियार है पिस्टल, उसको जो है नरार में खेत में जो छुपा दिया था वहां से बरामद किया गया। तो इसको जो है इस घटना के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर में, सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि 5 घंटे के अंदर में इसको उद्भेदन करके घटना में प्रयुक्त हथियार, उसके बाद जो है आपको एक पिस्टल, 3 मोबाइल और 2 खोखा और घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद किया गया। अतः यह जो है एक बहुत अच्छा सफल उद्भेदन रहा और इसको जो है सफलतापूर्वक किया गया। इसके अलावा भी और कोई लोग साथ? नहीं, ये अनुसंधान पूरा हो गया, यही 3 लोग हैं, इन लोगों ने अपनी स्वीकार कर लिया है अपने अपराध को। मामला क्या था? मामला जो है इसमें पूछताछ के क्रम में जो नीलम देवी द्वारा बताया गया 3% का मामला है, मृत युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग था और इसी प्रेम प्रसंग में जो है अपने दो साथियों के साथ इसकी हत्या करा दी। तो यह सफल उद्भेदन रहा। इसमें छापामारी दल जो है परिचमान पुलिस उपाधीक्षक थाना जयनगर और अन्य जो है जयनगर थाना के पदाधिकारी का निशी अच्छा काम। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, YouTube से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मल त्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती हैं और दर्द असहनीय हो गया है, यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है, पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या सोच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे डॉक्टर हृदय कुमार BAMS न्यू लाइफ क्लिनिक राम जानकी चौक सहरघाट मधुबनी।